हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम स्विच पोर्ट सिक्योरिटी का प्रैक्टिकल करेंगे। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी का प्रैक्टिकल इस प्रकार से है। इसका मेन एडवांटेज यह होता है, यह सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ सिक्योरिटी से मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये सिस्टम आपका रिसेप्शन पर लगा हुआ है, आपके ऑफिस के रिसेप्शन पर, और आप चाहते हैं इस सिस्टम के अलावा आप कोई और दूसरा सिस्टम यहाँ पे लगाएं, या कोई और लैपटॉप आके कोई यहाँ पर लगाए इस सिस्टम पे, तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। जी हाँ, जैसे ही आप इस सिस्टम की सिक्योरिटी इस पोर्ट में लगाएंगे, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के थ्रू, रिसेप्शन पे कोई गेस्ट आके अगर मान लीजिए इसकी केबल उतार के अपने लैपटॉप पे लगाएगा और आपके नेटवर्क को एक्सेस करना चाहेगा, तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले हम स्विच में जाएंगे, स्विच को ओपन करेंगे। अभी यहाँ पर मैं पैकेट ट्रेसर में CLI के थ्रू कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको स्विच को कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। आपको इसका मैक एड्रेस पता होना ज़रूरी है। जैसे मैंने इसका मैक एड्रेस 0090-2190C2B6 पहले यहाँ पर टाइप कर लिया है, और इसको हम यहाँ पे इस पोर्ट नंबर 1 पे मेंशन करेंगे। इनेबल COMT। इसके बाद आप उस पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस पोर्ट पे आप सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं। जैसे मेरे केस में यहाँ पर F01 है इस पोर्ट का नंबर, तो मैं लिखूँगा INTFA0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये फर्स्ट कमांड है। उसके बाद सेकंड कमांड हम चलाएंगे, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, और थर्ड कमांड रहेगी हमें स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, और इसके बाद हम मैक एड्रेस डालेंगे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी स्टिकी के बाद, और जो मैक एड्रेस होगा ये हमारा इस कंप्यूटर का होगा जो आप देख रहे हैं 0090-2190.C2B6। अब हम ये एंटर कर देंगे तो ये हमारी कमांड है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, INTFA01 फर्स्ट कमांड जो हमने पोर्ट सेलेक्ट की है, सेकंड कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, थर्ड कमांड है स्विच पोर्ट मोड सिक्योरिटी, और फोर्थ कमांड है हमारी स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, और इसके बाद ये लास्ट कमांड है हमारी स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, और इसका पोर्ट एड्रेस मैक एड्रेस सिस्टम का। मैं यहाँ से एक सिस्टम लेता हूँ यहाँ पे, और इस केबल को उतार के हम यहाँ इस पोर्ट लगा देंगे। अभी तो देखिए ग्रीन होगी, अभी इनिशलाइज हो रहा है पोर्ट। अब देखिए ग्रीन हो गया। अब मैं यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस डालता हूँ, डेस्कटॉप आईपी एड्रेस। आप देखेंगे जैसे मैं आईपी एड्रेस डालूँगा ये जो पोर्ट है आप देखेंगे ये रेड हो जाएगा। यह देखिए ये पोर्ट हमारा रेड हो गया, यानी शट डाउन हो गया। अब ये शट डाउन जो हुआ है तो लॉजिकली हुआ है ये शट डाउन, अदरवाइज ये पोर्ट रनिंग कंडीशन में है। इसको हम चेक करते हैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, ये इसके कंसोल पोर्ट पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा डू शो रन, तो ये देखिए पोर्ट 1 है और इसमें कहीं पे भी शट डाउन नहीं लिखा हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया है, नहीं तो पोर्ट पे शट डाउन लिखा आता है। अब यहाँ एक पोर्ट शट डाउन करते हैं, INTFA0/10 शट डाउन।
और अब हम डू शो रन करते हैं और पोर्ट नंबर 10 देखते हैं। ये देखिए पोर्ट नंबर 10 देखिए शटडाउन है, और जबकि अगर हम यहाँ पर देखें पोर्ट 1 में कहीं भी शटडाउन का मैसेज नहीं टाइप हुआ, हुआ शटडाउन की कमांड कहीं टाइप नहीं हुई। तो अब अगर हम इसको वापस ठीक करना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर ये है, आप यहाँ से केबल हटाएंगे और इसको यहाँ लगा देंगे वापस उसी पोर्ट पे, और इसको हम INTFS 0/1 को पहले शट करेंगे और उसके बाद फिर नो शट। ये देखिए ग्रीन हो गया, ये पोर्ट इनिशियलाइज हो रहा है और ये देखिए वापस ग्रीन हो गया। तो कमांड एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, डू शो रन, ये मैंने पोर्ट 1 पे चलाई थी। फर्स्ट कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, सेकंड स्विच पोर्ट मोड सिक्योरिटी, थर्ड स्विच पोर्ट मोड सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, और उसके बाद स्टिकी के बाद हमें नेक्स्ट लाइन में मैक एड्रेस डालना है, और आपको इसी सीक्वेंस में ही ये कमांड टाइप करनी है। और ये याद रखिए अभी मैंने यहाँ पर पैकेट ट्रेसर में किया है तो हमने सिंपल CLI एक्सेस कर लिया, अदरवाइज आप मैनेज स्विच को कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके मेरे और भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप अपने ईमेल आईडी पर रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।